तो गाइस वेलकम माय चैनल। आज हम जानेंगे कि व्हाट्सएप में किसी का नंबर रिपोर्ट करने से क्या होता है, अगर आपने किसी का नंबर रिपोर्ट करते हो तो क्या होता है। मैं इधर लाइव दिखाऊंगा रिपोर्ट कैसा हमारी जाती है और रिपोर्ट करने के बाद हमारा क्या होता है और क्या करना हमको चाहिए क्या नहीं चाहिए रिपोर्ट। तो आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसी वीडियो आपके लिए आते रहती है। तो देखिए इधर फ्लिपकार्ट को मैं थोड़ा रिपोर्ट करता हूँ और यहाँ हमको ब्लॉग बिजनेस एंड दिखा रहा है फ्रेंड, इसने कितना मैसेज भेजा है। दिस बिजनेस 5 मैसेज वो सेंड लिख के आ रहा है, तो इसने 5 SMS पहले भेजा है। तो ये हमको कोई भी मैसेज भेज रहा है या आपको अनजान नंबर से मैसेज आ रहा है, उसको आप रिपोर्ट करते हो तो एक रिपोर्ट सेंड होती है व्हाट्सएप को। जो ऐसा फ्रेंड और भी रिपोर्ट मिलने के बाद वो व्हाट्सएप के नज़र में आ जाता है। 50 से 60 जन ने उसको रिपोर्ट कर दिया एक हफ्ते के अंदर, तो उसका व्हाट्सएप का जो नंबर होता है वो व्हाट्सएप की तरफ से बैन कर दिया जाता है। अगर आप रिपोर्ट करते हो और बहुत जन ने पहले से उसको रिपोर्ट किया है तो वो नंबर बैन हो जाता है। तो देखिए ये शॉपिंग ऐप है, इसको मैं अभी इधर रिपोर्ट करके आपको एक दिखाने वाला हूँ। यह नंबर को अनब्लॉक करता हूँ और इसको रिपोर्ट करके आपको दिखाता हूँ। तो हमको एक कोई भी ऐप में जाने का रिपोर्ट करने का है, तो इधर मोर में जाना है आपको और रिपोर्ट पे क्लिक कर देना है। अब रिपोर्ट पे हम क्लिक करने के बाद हमारा रिपोर्ट एक सेंड होता है व्हाट्सएप को और नंबर भी ब्लॉक हो जाता है। तो आप रिपोर्ट करोगे सामने वाले का नंबर भी ब्लॉक हो जाएगा और व्हाट्सएप को एक रिपोर्ट जाएगी, ये स्पैम है, ये स्पैम मैसेज भेज रहा है। तो हमारा ऐसा चले गया देखिए, और हमको लिख के आ जाता है रिपोर्ट वॉज सेंड टू व्हाट्सएप। तो आपका चले जाएगा व्हाट्सएप को एक रिपोर्ट। ऐसा बहुत जन उसको रिपोर्ट करते हैं तो सामने वाले का नंबर बंद हो सकता है, बैंड हो सकता है। तो आप चाहे तो आपको स्पैम मैसेज आ रहे तो रिपोर्ट करके और भी लोग करेंगे तो उनका नंबर बैंड हो जाएगा। तो आप समझ गए रिपोर्ट करने से क्या होता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।